हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस है NABH के रिलेटेड ही, बट एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था मुझे, उनका आंसर मैं उनको कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा ये वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि जो एक्सपीरियंसड लोग हैं उनको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है, बट जो अभी न्यू फ्रेशर हैं या क्वालिटी मैनेजर्स न्यू बने हैं उनको ये अभी नहीं पता है कि एक्रेडिटेशन प्रोग्राम किस किस फील्ड में NABH प्रोवाइड करती है, क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एक्चुअली सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख लेना। बट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आप किस फील्ड में देते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, और उससे भी पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरी मेंबरशिप को ले रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। मुझे व्यूज से पता चल जाता है कि मेरी वीडियोस को वॉच किया जा रहा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। जो भी मेंबरशिप ले रहे हैं बहुत 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 थैंक यू आप लोगों को। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही शॉर्ट है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, कोई टॉपिक मैं यहाँ पे डाल नहीं रही हूँ, तो जस्ट इस टॉपिक का नाम आप ये कह सकते हैं, वैसे आप थंबनेल में देख चुके होंगे, बट ये कि NABH किस किस जो फील्ड है किस में ऑपरेट करता है, एक्रेडिटेशन को, सर्टिफिकेशन को या एम्पैनलमेंट प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो उसके बारे में आज मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है वैसे वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में कि NABH जो है वो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, साथ साथ में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है, कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ इसमें है, एम्पैनलमेंट भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो NABH प्रोवाइड करता है। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो इक्वेस्ट के थ्रू किए जाते हैं, कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, या ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, एम्पैनलमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम वो किस किस फील्ड में प्रोवाइड करता है, बहुत सारे लोगों को अभी यही पता है कि हॉस्पिटल्स जो हैं या स्मॉल हेल्थ केयर हैं, बस अभी तक यही पता है कि SHCO या फिर हॉस्पिटल्स में जो HCO होते हैं उन्हीं को ही NABH एक्रेडिटेशन, फुल एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन भी कुछ एंट्री लेवल्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है। बट मैं आपको बता दूं कि इससे भी बियॉन्ड जो है स्कोप है इसका, ठीक है। तो एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ एक्रेडिटेशन प्रोग्राम की, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल्स में, जिसको हम HCO बोलते हैं, साथ ही प्रोवाइड करता है स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में, SHCO में, ठीक है। थर्ड जो है, बहुत कम लोगों को पता है कि ब्लड बैंक्स में भी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि बड़ी सिटीज़ हैं, ट्राई सिटीज़ हैं, उनमें तो ब्लड बैंक्स जो हैं वो एक्रेडिटेड हैं, बट अभी भी स्मॉल सिटीज़ जो हैं उनमें नहीं पता है कि ब्लड बैंक जो है उनको एक्रेडिटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी मैनेजर्स बिल्कुल भी निराश ना हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही आप लोगों की जॉब्स हैं या स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस में ही आपकी जॉब्स हैं, इसके वे बियॉन्ड भी आपके लिए जॉब्स हैं बहुत सारी, ठीक है। तो ब्लड बैंक्स में जो काम कर रहे हैं, जो क्वालिटी मैनेजर्स ब्लड बैंक के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं प्रोग्राम एक्रेडिटेशन का, ठीक है। उसके बाद जो है वो आता है आपका मेडिकल इमेजिंग सर्विसेज, MIS, ठीक है। इमेजिंग सर्विसेज जहाँ पे आपकी एक्सरे है, रेडियोलॉजी का काम होता है, ठीक है, उसमें भी आपका स्कोप है एक्रेडिटेशन का। तो जो भी क्वालिटी मैनेजर्स हैं वो MIS में भी जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो BDS के बाद MDS करने की बजाय सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो क्वालिटी मैनेजर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर वो मतलब क्वालिटी मैनेजर्स हैं भी और वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जाते भी हैं तो कोई बात नहीं है, बट डेंटल फैसिलिटीज़ में भी आप लोगों के लिए स्कोप बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप BDS करने के बाद अपने ही, जैसे आपने क्लिनिक्स खोले हैं, ठीक है, डेंटल के डेंटिस्ट हो आप, तो आप अपने जो है उसको एक्रेडिटेड करा सकते हो, ठीक है। डेंटल फैसिलिटीज़ या डेंटल क्लिनिक्स होते हैं वो जो BDS करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है इसके, मतलब पर्टिकुलर टू दिस, ठीक है। तो जिनको BDS या MDS जिन्होंने की होगी बट उनको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने ही क्लिनिक को एक्रेडिटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एलोपैथिक क्लिनिक्स, ठीक है, एलोपैथिक्स क्लिनिक में भी
एक्विटेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके अलावा आयुष हॉस्पिटल्स, यहीं पे मैं थोड़ा सा कंजस्ट कर रही हूँ क्योंकि जस्ट ये इन्फॉर्मेशन वीडियो ही है, तो आयुष हॉस्पिटल्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्कोप है क्वालिटी मैनेजर्स का बहुत अच्छा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ठीक है, आप नोट डाउन करते जाएं जो भी मैं बता रही हूँ आपको, तो आप अपना जो है स्कोप सर्च कर सकते हैं कि अगर हॉस्पिटल्स में जॉब आपको नहीं मिलती है तो आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको ये हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जो है एथिक्स कमेटी के लिए, ठीक है, इसमें भी एक्रेडिटेशन प्रोवाइड की जाती है। पंचकर्मा क्लिनिक्स, ठीक है, पंचकर्मा तो आपने सुना होगा, पंचकर्मा क्लिनिक्स पर आप एक्रेडिटेशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आई केयर ऑर्गेनाइजेशन, आई हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनके लिए स्पेशल अलग से एक्रेडिटेशन बुक आती है, स्टैंडर्ड की बुक आती है, तो आप आई केयर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी अलग से एक्रेडिटेशन होना चाहे तो एक्रेडिटेड हो सकते हैं। ये तो हमारा रहा सारा का सारा एक्रेडिटेशन प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के, ठीक है, कि सर्टिफिकेशन जो है आपको किस किस लेवल पे मिल सकता है। ज़्यादातर लोगों को एंट्री लेवल ही पता है, एंट्री लेवल तो होते ही होते हैं, बट किस किस फील्ड में हो सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किस किस के अंडर किए जाते हैं, पहला तो आपका एंट्री लेवल जो सभी को पता है, ठीक है, एंट्री लेवल हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, अगेन एंट्री लेवल स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। थर्ड एंट्री लेवल जो है वो आपका होगा आयुष सेंटर्स के लिए, ठीक है। देन फोर्थ एंट्री लेवल जो आपका होगा आयुष हॉस्पिटल्स के लिए। अब ये मुझे बाय हार्ट है तो मैं फटाफट से लिखती जा रही हूँ, आप इसको इजीली धीरे धीरे वीडियो को देख के अपने मतलब जहन में उतार लें कि हाँ ये चीज़ें हैं अवेलेबल, ठीक है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में। इसके अलावा जो है नर्सिंग एक्सीलेंस, नर्सिंग एक्सीलेंस के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, नर्सिंग एक्सीलेंस के सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। ये सर्टिफिकेशन का मतलब होता है आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, आपका पूरा हॉस्पिटल ना हो के आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्टिफाइड हो जाए, कोई सर्टिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। देन है आपका मेडिकल लेबोरेटरी प्रोग्राम, MLP होती है इसकी पतली सी एक बुक होती है, ठीक है, लेबोरेटरी प्रोग्राम्स के लिए। अगर आप NABL के लिए नहीं जाना चाहते बट आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप MLP के लिए ज़रूर जाओ, मेडिकल लेबोरेटरी प्रोग्राम के लिए। देन इमरजेंसी डिपार्टमेंट को अलग से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दी जाती है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लिए अलग से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आता है NABH का, ठीक है। देन आपके पास आएगा MVTF इम्पैनलमेंट, MVTF इम्पैनलमेंट सर्टिफिकेशन। तो ये 8 सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, सॉरी कोर्सेज मैं बोल रही हूँ, 8 सर्टिफिकेशन हैं, प्रोग्राम्स हैं जो कि NABH प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, क्वालिटी मैनेजर कहीं भी काम कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पैनलमेंट प्रोग्राम्स की। बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि NABH जो है वो कंडक्ट कराता है असेसमेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, जो कि है और इम्पैनलमेंट्स अंडर CGHS एंड CGHS एंड ECHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जो भी फ्रेशर्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी, एक्सपीरियंस तो उनको तो पहले से ही पता होता है। जो फ्रेशर्स हैं, जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि क्वालिटी मैनेजर अगर हम बनते हैं तो हमारा क्या क्या स्कोप होता है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ, हाँ उससे पहले मेंबरशिप ज़रूर लें, आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वीडियोस को देखें। आगे आने वाले टाइम में मैं और भी चीज़ें करने की कोशिश कर रही हूँ, और भी इवन वीडियोस इंट्रोड्यूस करूँगी, लेंथी हो सकती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, के लिए आराम कीजिए और स्टे सेफ।